में भी पॉजिटिव पेशेंट्स मिल चुके हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब जवाबदारियाँ 10 गुना बढ़ गई है। किस तरह के सर नए सिरे से पूरी प्लानिंग की गई? देखिए, जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि पूरी तरीके से लॉकडाउन रखकर और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से जो भी अगर केसेस कुछ आए भी हैं तो उनको बढ़ने से रोका जाए। और इसके लिए जो भी निर्देश कल जो प्रसारित हुए हैं केंद्र सरकार के, इसके पहले जिला प्रशासन के आदेश प्रसारित हुए हैं, उन्हीं का पालन करवाया जाएगा। इस बीच में लोगों के बीच में पैनिक ना हो, जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो उनको आसानी से उपलब्ध रहें, इसके लिए नगर निगम 2-3 चीज़ें कर रहा है। हर वार्ड में हम लोग 5 ऐसी जगहें चिन्हांकित कर रहे हैं जो जहां पर खाली मैदान टाइप का या कोई खुली जगह होगी, जहां पर हम लोग ठेलों के माध्यम से या फिर अस्थायी दुकानों के माध्यम से सब्जियाँ और दूध जैसी आवश्यक जो वस्तुएँ हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, जिससे लोगों में अनावश्यक जो है वो पैनिक ना हो। जो वर्तमान मंडियां हैं वहां पर भी हम लोग चूने की लाइन वगैरह डलवा के उसमें प्रॉपर डिस्टेंसिंग रहे ये सुनिश्चित कराएंगे। कुछ ऐसी जो लोकेलिटी हैं जहां पर ये केसेज मिले हैं, जो 5ों केसेज यहां पर पॉजिटिव मिले हैं, वहां का बहुत ही वृहत स्तर पर सैनिटाइजेशन हमारे सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा कराया जाएगा, जो हमारी टीमें भी कुछ देर में वहाँ पर पहुँच जाएंगी। इसके अलावा जो बाहर से आने वाले 3,138 लोगों के हमारे पास सूची है, शाम तक नगर निगम की टीम प्रत्येक घरों तक पहुंचेगी और एक बार ये जानकारी इकट्ठा करेगी कि वहाँ पर कोई भी उनको सिम्टम्स तो नहीं है, जिससे अगर आगे की कोई कार्रवाई होनी है तो जिला प्रशासन के द्वारा, हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा करी जा सकती है। सर, एक साफ सफाई को लेकर नगर निगम की बड़ी जवाबदारी, साथ ही साथ जल आपूर्ति की व्यवस्था प्रभावित ना हो उसको लेकर भी सर किस तरह की व्यवस्था? देखिए, जो आवश्यक सेवाएँ हैं, चाहे वो साफ सफाई है या फिर हमारा ड्रेनेज का काम है, वाटर सप्लाई का काम है, इसमें नगर निगम की टीम लगातार लगी हुई है और सारे ऑफिसेज भी जो है बेसिक फंक्शनिंग के लिए खुले हुए हैं, इसमें कहीं भी किसी भी तरीके की कमी नगर निगम के द्वारा नहीं आने दी जाएगी। थैंक यू।